हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं 2017 की टॉप 10 एडवेंचर फिल्म्स के बारे में कि 2017 में वो कौन सी 10 फिल्में थी जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि वेल एंटरटेन सभी को पसंद है। तो मैं इस लिस्ट में आपको उन सभी 10 फिल्मों के नाम बताने वाला हूँ जो 2017 में मुझे लगता है कि एक अच्छी फिल्में थी। तो आप कौन सी है वो सभी फिल्में, चलिए उस पर नजर डालते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो फ्रेंड्स, 2017 में और भी काफी सारी फिल्में रिलीज हुई है लेकिन इस लिस्ट में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर फिल्में ही बताने वाला हूं। तो अब बात करें 10th पोजीशन की, तो मेरी इस लिस्ट में 10th पोजीशन पर आती है द डार्क टावर, जिस फिल्म में हमें दो लेजेंड एक्टर एक साथ नजर आए थे, एक है एड्रिस एल्बा और दूसरे मैथ्यू। लेकिन आप सभी को पता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी क्योंकि बाहर की कंट्रीज में डार्क टावर की नॉवल भी आती है जिसे लिखा है स्टीफन किंग ने, और नॉवल की स्टोरी फिल्म की स्टोरी से काफी ज्यादा अलग थी, इसलिए ये फिल्म बाहर के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हालांकि ये फिल्म उन लोगों को भी पसंद नहीं आएगी जो लोग हमारे इंडिया में इस बुक के बारे में जानते हैं, क्योंकि बुक की स्टोरी जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल अलग और फिल्म की स्टोरी बिल्कुल अलग है। एक हिसाब से बुक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है इस फिल्म में, लेकिन ये फिल्म उन लोगों के लिए अच्छी है जो लोग इस बुक के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये फिल्म उन लोगों को एंटरटेन करने में पूरी तरीके से कामयाब होती है, खास करके इद्रिस एल्बा के वो गन के सीन, जिस हर एक सीन में इद्रिस एल्बा रिवॉल्वर काफी अच्छी तरीके से रिलोड करते हैं, वो टेक्निक बहुत ही ज्यादा अलग थी। लेकिन अब इस फिल्म को लेकर प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी इस फिल्म को हिंदी में नहीं रिलीज किया गया हमारे इंडिया में, यानी अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आपको ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही देखने मिलेगी। वेल, तो अब बढ़ते हैं 9th पोजीशन पर, और मेरी इस लिस्ट में 9th पोजीशन पर आती है किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड्स, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है गे रिची ने जो डिज्नी की तरफ से ब्लॉकबस्टर फिल्म अलादीन लेकर आने वाले हैं, और इसी के साथ साथ गे रिची ने शेरलॉक होम्स फिल्म के दो पार्ट भी डायरेक्ट किए हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी किंग आर्थर फिल्म, जिसे उन्होंने डायरेक्ट तो किया काफी अच्छी तरीके से लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और एक हिसाब से ये फिल्म हो गई बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप। तो अब इस फिल्म का फ्लॉप होने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि इस फिल्म की स्टार कास्ट उतनी ज्यादा दमदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे VFX के दम पर ही आप इस पूरी फिल्म को हिट नहीं करवा सकते, इसलिए लोग इस फिल्म से काफी दूर रहे, जिस हिसाब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। लेकिन अगर आप फिल्म की बात करो तो फिल्म की स्टोरी अच्छी थी जो हमें एंटरटेन करने में कामयाब होती है, और जैसे कि मैंने बताया गे रिची का डायरेक्शन काफी अलग लेवल का होता है, तो इस फिल्म में भी हमें वो झलक साफ साफ नजर आती है। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड फिल्म हिंदी में अवेलेबल नहीं है, यानी आपको ये फिल्म भी इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली आप इस फिल्म को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अब आ जाए 8th पोजीशन पर, तो 8th पोजीशन पर आती है द मम्मी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होते होते रह गई क्योंकि इस फिल्म को चाइना ने बचा लिया था, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज हिट रही है। इस हिसाब से पहले डार्क यूनिवर्स को कैंसिल कर दिया गया था कि यूनिवर्सल अब डार्क यूनिवर्स आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, लेकिन जब इस फिल्म के रिस्पॉन्स थोड़े से अच्छे आए चाइना में तो डार्क यूनिवर्स की फिर से अनाउंसमेंट कर दी गई। लेकिन अब तक डार्क यूनिवर्स को लेकर और कोई अपडेट नहीं आए हैं कि आगे डार्क यूनिवर्स का क्या होगा। खैर, ये फिल्म मुझे लगता है इस साल की एक अच्छी एंटरटेनिंग एडवेंचर फिल्म है जो हमें एंटरटेन करने में पूरी तरीके से कामयाब होती है। बस स्टोरी लाइन फिल्म की बहुत ही फीकी थी क्योंकि जैसे कि मैंने बताया फिल्म में काफी सारे राइटर्स को ऐड किया गया था जिन्होंने अपने हिसाब से इस फिल्म की स्टोरी को लिखा, और कहीं ना कहीं यही चीज मार खा गई, इसलिए ये फिल्म नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा नहीं चल पाई। लेकिन हमारे इंडिया में इस फिल्म ने एक एवरेज बिजनेस किया था, और इसी हिसाब से ये फिल्म मेरी लिस्ट में आती है 8th पोजीशन पर। और अच्छी बात ये है कि द मम्मी फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप इस फिल्म को हिंदी में भी देखकर एंजॉय कर सकते हैं। और अब आ जाए 7th पोजीशन पर, तो 7th पोजीशन पर आती है डिज्नी की ब्लॉकबस्टर फिल्म ब्यूटी एंड द बीस्ट, जो एक हिसाब से 2017 की एक सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, और किसी भी ये आइडिया नहीं था कि ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन इस फिल्म ने एक अच्छा खासा बिजनेस किया, जिस हिसाब से डिज्नी अब अपने काफी सारे 2D एनिमेशन फिल्मों को लाइव एक्शन फिल्म में कन्वर्ट कर रहा है। खैर, इस फिल्म का डायरेक्शन, फिल्म के सॉन्ग सभी काफी अच्छे थे, और ये फिल्म एक तरीके की एक बेस्ट एडवेंचर फिल्म है 2017 की, क्योंकि ये फिल्म क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक को बहुत ज्यादा पसंद आई। हालांकि फिल्म की कहानी बिल्कुल सेम थी, कहानी में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे, लेकिन एक लाइव एक्शन फिल्म 2D एनिमेशन से काफी ज्यादा अच्छी होती है, वही इस फिल्म में हमें दिखाया गया है, और ऊपर से ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप इस फिल्म
को हिंदी में भी देखकर एंजॉय कर सकते हैं। खैर अब बात करें सिक्स पोजीशन की, तो सिक्स पोजीशन पर आती है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैन टेल नो टेल्स। भले से ही ये फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की सबसे वीकेस्ट फिल्म क्यों ना हो, लेकिन ये फिल्म 2017 की एक अच्छी एडवेंचर फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज की कमाई की थी, लेकिन ये कमाई डिज्नी को कहीं ना कहीं रास नहीं आ रही है। इसलिए डिज्नी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के यूनिवर्स को रिबूट कर रहा है, जो एक बहुत ही बेकार डिसीजन है। खैर इन सभी बातों को साइड में रखते हैं और बात करें पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैन टेल नो टेल्स फिल्म की, तो इस फिल्म से एक अलग ही यूनिवर्स शुरू किया जाना था ताकि पायरेट्स के यूनिवर्स को एक अलग ही लेवल पर ले जाया जाए, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होने वाला। खैर ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप इस फिल्म को हिंदी में भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की हर एक सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, क्योंकि इस फिल्म की पॉपुलैरिटी हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा है और लोग इस सीरीज के अब भी पागल है, खास करके जैक स्पैरो के। तो ये 2017 की एक मस्ट वॉच एडवेंचर फिल्म है। और अब बड़े फिफ्थ पोजीशन पर, तो फिफ्थ पोजीशन पर आती है कॉन्ग दी स्कल आइलैंड, जिसके VFX लाजवाब है। खास करके आप इस फिल्म को जब IMAX में देखते हो तो IMAX में ये फिल्म आपकी आंखों को देती है सुकून, ठीक वैसे ही जैसे इस साल हमने एक्वामैन फिल्म को देखकर फील किया है। इस फिल्म की भी विजुअलिटी काफी ज्यादा अलग थी, जो बड़े पर्दे पर सच में माइंड ब्लोइंग थी। लेकिन अब ये फिल्म थिएटर्स में तो आपको नहीं देखने मिलने वाली, इसलिए आपको इस फिल्म को घर पर ही बैठकर देखना पड़ेगा। तो घर पर भी ये फिल्म आपको कोई भी एंगल से निराश नहीं करने वाली, खास करके अगर आपके पास बड़ी सी स्क्रीन है तो आप इस फिल्म को बड़ी सी स्क्रीन पर हिंदी में भी देखिए, क्योंकि ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है। और डेफिनेटली ये फिल्म आगे चलकर कौन से यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाली है वो भी बात आपको पता होगी। और अगर जिन्हें नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं, कॉन्ग एक मॉन्स्टर यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जिस यूनिवर्स में हमें गॉडज़िला भी देखने मिला। तो आप इस फिल्म को देखने के बाद 2014 की गॉडज़िला फिल्म भी देख लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों फिल्म के बीच में एक बड़ा सा कनेक्शन आगे हमें दिखाया जाने वाला है मॉन्स्टर यूनिवर्स में। और सिर्फ इन्हीं दोनों फिल्म के बाद आप सीधा देखिएगा नई रिलीज होने वाली फिल्म गॉडज़िला द किंग ऑफ मॉन्स्टर, जिस फिल्म के बाद हमें 2020 में देखने मिलेगी गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग, जहां पर ये दो बड़े से मॉन्स्टर्स आपस में टकराएंगे और उस बैटल को भी देखने उस टाइम पर काफी ज्यादा मजा आएगा, जैसा मजा हमें कॉन्ग फिल्म को देखकर आया है। और अब बात करें फोर्थ पोजीशन की, तो फोर्थ पोजीशन पर आती है वॉर फॉर द प्लैनेट्स ऑफ द एप। ये प्लैनेट्स ऑफ द एप फिल्म की सीरीज का थर्ड पार्ट है, जिसे काफी अच्छी तरीके से एंड किया गया है। लेकिन आप सभी को पता है कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मैट रीव्स ने, जो अभी तो फिलहाल बिजी है बैटमैन फिल्म के प्रोजेक्ट पर। वेल तो वॉर फॉर द प्लैनेट्स ऑफ द एप फिल्म इस सीरीज की सबसे अलग बनाई गई फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म में काफी अलग एलिमेंट्स डाले गए थे फिल्म की स्टोरी से रिलेटेड। खास करके इस फिल्म में ज्यादा वॉर पर नहीं बल्कि फिल्म की स्टोरी लाइन पर फोकस किया गया था कि कैसे फिल्म को आगे बढ़ाकर खत्म करना है। और 10 कमांडमेंट फिल्म की ही तरह इस फिल्म की स्टोरी को एक परफेक्ट एंड दिया गया, जो सच में मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। लेकिन स्टूडियो की तरफ से ये कंफर्मेशन नहीं की गई कि आगे हमें प्लैनेट्स ऑफ द एप फिल्म की सीरीज के और भी पार्ट देखने मिलेंगे या नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस सीरीज के आगे के पार्ट ऑलरेडी बने हुए हैं कि एप्स ने दुनिया पर कब्जा कर लिया है और वो लोग कैसे अब दुनिया को आगे चला रहे हैं। और अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखना है तो आप शुरुआत कीजिए 1968 की फिल्म प्लैनेट्स ऑफ द एप्स से, जिसके टोटल 5 पार्ट है और हर एक पार्ट ईयर के हिसाब से रिलीज किया गया था। जैसे कि इस पार्ट को रिलीज किया गया था 1968 में, उसके बाद इस फिल्म के सेकंड पार्ट को रिलीज किया गया था 1970s में, उसके बाद 71, 72 और 73, ये तीनों पार्ट की कंटिन्यूएशन है। और फिर टिम ब्रूटन ने 2001 में इस सीरीज को रिबूट किया था और हमें ये बताया गया था उस सीरीज में कि कैसे इंसानों की गलती की वजह से आज प्लेनेट पर राज कर रहे हैं एप्स, क्योंकि टिम ब्रूटन ने उस फिल्म में एक अलग ही डायमेंशन का प्लेनेट दिखाया था जिस प्लेनेट में एप्स राज करते हैं। फिर स्टूडियो का क्या पता क्या दिमाग चला, उन्होंने 2011 में राइज ऑफ द प्लेनेट्स ऑफ द एप फिल्म बनाई, जो इस सीरीज को बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस करती है। इसमें कोई अलग डायमेंशन नहीं है, इसमें हमारा नॉर्मल अर्थ ही दिखाया गया है, जिस अर्थ पर इंसानों की ही गलती से एप सब राज करते हैं। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें से कौन कौन से पार्ट हिंदी में अवेलेबल है। वेल, पुराने जितने भी 5 पार्ट्स हैं उनमें से कोई भी पार्ट हिंदी में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद प्लैनेट्स ऑफ द एप सीरीज के नए पार्ट, ये तीनों के तीनों पार्ट हिंदी में अवेलेबल है। यहाँ तक कि टिम ब्रूटन की भी प्लैनेट्स ऑफ द एप फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। तो आपको अगर ये सीरीज देखना है तो आप अपने हिसाब से इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करके देखिए, ताकि आप प्लैनेट्स ऑफ द एप की सीरीज को काफी अच्छी तरीके से समझ पाए। वेल, तो अब बढ़ते हैं थर्ड पोजीशन पर, और थर्ड पोजीशन पर मेरी इस लिस्ट में आती है पैडिंगटन 2, जो मुझे लगता है 2017 की सबसे बेस्ट एडवेंचर फिल्म है। लेकिन फिर भी मैंने इस फिल्म को थर्ड पोजीशन पर रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि काफी लोगों को ये फिल्म उतनी ज्यादा खास नहीं लगी है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये फिल्म 2017 की सबसे बेस्ट एडवेंचर फिल्म है, जो हमें हर तरीके से एंटरटेन करने में कामयाब होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि पैडिंगटन फिल्म के दोनों पार्ट हिंदी में अवेलेबल नहीं है, यानी अगर आपको इस फिल्म के एडवेंचर्स एंजॉय करने हैं तो आपको ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी। वेल, तो अब बात करते
हैं सेकंड पोजीशन की। और मेरी इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर आती है ड्वेन जॉनसन की ब्लॉकबस्टर फिल्म जुमानजी वेलकम टू द जंगल, जिस फिल्म ने सोनी स्टूडियो को काफी अलग लेवल पर पहुंचा दिया, क्योंकि किसे भी ये नहीं पता था कि जुमानजी जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा बिजनेस करेगी। इसलिए अच्छे बिजनेस को देखते हुए इस फिल्म के सेकेंड पार्ट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। लेकिन मुझे लगता है इस फिल्म के हिट होने में हाथ है इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट का, जो आया था 1995 में। लोगों को ये जानना था कि अब आगे के पार्ट को कैसे कंटिन्यू किया जाएगा। डेफिनेटली फिल्म के डायरेक्टर जैक ने ये काम काफी अच्छी तरीके से किया है। ऊपर से फिल्म में जो फन दिखाया गया है वो तो अलग लेवल का ही है। और अच्छी बात यह है कि ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस फिल्म को इंग्लिश में ही देखिएगा, क्योंकि फिल्म की हिंदी डबिंग इतनी अच्छी तरीके से डब नहीं की गई है। क्योंकि जो मजा हमें इस फिल्म के इंग्लिश डायलॉग सुनने में आता है वो मजा हिंदी डायलॉग सुनने में बिल्कुल भी नहीं आता। वेल, तो अब बात करें फर्स्ट पोजीशन की, तो मेरी इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर आती है उगजा, जो इस साल की बेस्ट एडवेंचर फिल्म है। इस फिल्म ने हमें हंसाया भी और रुलाया भी बिल्कुल अपने ही अंदाज में। और जो बात हमने सुनी थी कि जब इस फिल्म का प्रीमियर किया गया था तो क्रिटिक्स ने इस फिल्म को देखकर फिल्म के डायरेक्टर बॉन जोंग वू को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था, ये फिल्म उसी के लायक है। जब आप इस फिल्म को देखते हो तो आप पूरी तरीके से इस फिल्म में खो जाते हो, और जब ये फिल्म एंड में हमें जो मैसेज देकर जाती है उस मैसेज को देखकर आपकी आंखें भर आती है। और एक अच्छी बात ये है कि ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है, तो एक बेस्ट एडवेंचर फिल्म को आप हिंदी में भी जरूर देखिए, क्योंकि इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी काफी अच्छी की गई है। वेल, तो ये थी 2017 की टॉप 10 एडवेंचर फिल्में जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और मैंने आपको यहाँ तक ये भी बताया कि इनमें से कौन कौन सी फिल्में हिंदी में अवेलेबल है और कौन सी नहीं। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इन टॉप 10 लिस्ट में से कौन कौन सी फिल्में देखना पसंद करोगे। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इन सभी फिल्मों को लेकर उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई अपडेट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।